कैसे क्या तैयारी करती थी कितना देर पढ़ती थी? बस रेगुलर 7-8 घंटा पढ़ते थे और वो भी एक नहीं सारा सब्जेक्ट पढ़ते थे, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं हो सकता, सारा सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आना चाहिए, इसलिए हम सारा सब्जेक्ट पढ़ते थे। लोग हिंदी इंग्लिश को भी वो बस समझ लेते कि लास्ट टाइम पढ़ने से हो जाएगा, लेकिन हम रेगुलर शुरू से सारा सब्जेक्ट पढ़ते थे ताकि सारे सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आ सके। आगे क्या लक्ष्य? आगे हम यही इकोनॉमिक्स से ऑनर्स करना चाहते हैं। उम्मीद थी रिजल्ट की उम्मीद थी? हाँ, 85% तो प्लस हमको लग ही रहा था जब से हम एग्जाम देकर आए थे, क्योंकि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छे से हम लिख के आए थे। आगे क्या बोलने का है? राज्य टॉपर की उम्मीद थी? नहीं, हम सोचे थे डिस्ट्रिक्ट टॉपर सोचे थे, लेकिन स्टेट टॉपर इतना नहीं सोचे थे। तो मन में बहुत गुब्बारे फूट रहे होंगे? बहुत ज्यादा। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, मतलब किस तरह का सब्जेक्ट है, इसमें क्या 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 चीज़ पढ़ाया जाता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। हिंदी इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, मतलब किस तरह का सब्जेक्ट है, इसमें क्या 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 चीज़ पढ़ाया जाता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है, तो होम साइंस क्या होता है? होम साइंस क्या होता है? खाना बनाने के बारे में दिया हुआ रहता है। घबराई नहीं, बताइए। क्या चीज़ है पॉलिटिकल साइंस जो है, जिसके बारे में आपने बताया कि मैंने पूछा, क्या चीज़ होता है? क्या चीज़ होता है पॉलिटिकल साइंस? आपने बताया कि हम पॉलिटिकल साइंस की पूछे, ये पॉलिटिकल साइंस होता क्या है? कितने मार्क्स का था और कितने सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया? कौन कौन सा सब्जेक्ट? छह सब्जेक्ट। हाँ। कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ आपको? परीक्षा जो है कितने नंबर का हुआ? कुल कितने नंबर का? 600 नंबर का। यानी कि 6 कुल 600 नंबर में आपको 400 नंबर आया। 444 नंबर आया।